मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिग्विजय जी बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन पहला सवाल, अब तो आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे ना, ये अभी भी आपको शक है? सर हमें सुन पा रहे हैं दिग्विजय जी? जी दिग्विजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए जी। सवाल यही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं अब तो आप ईवीएम पर शक नहीं करेंगे, ये जनादेश ही है ना? बिल्कुल जनादेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को जो समर्थन मिला है तो ये तो जो ईवीएम का खेल वो तब होता है जबकि आपके जो एग्जिट पोल थे वो सही निकलते। हालांकि जी ने शायद में कुछ अलग से दिया था जी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुमत ही दिया था। अब हालत यह है कि दिग्विजय सिंह जी हमारा जो आंकड़ा था वो 305 से 315 था एनडीए के लिए और उसके सबसे करीब हम ही लोग हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने इंडिया को कितना दिया था? 195 के करीब था सर। एक बात वही है, ये एग्जिट पोल जो है ये नहीं, ममता बनर्जी को वोट हो सकता है कि ममता बनर्जी की सीटें ना जोड़ी गई हों क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में होके भी बाहर है। लेकिन दिग्विजय जी एक सवाल तो मध्य प्रदेश पर भी बनता है, मध्य प्रदेश के आंकड़े तो ना तो आपकी मेहनत के अनुरूप आए ना मध्य प्रदेश के आंकड़े आपकी उम्मीदों के अनुरूप आए। दिखाते रहिए जी, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश के आंकड़े ना तो आपकी मेहनत जितनी आए ना आपके उम्मीदों जितना, ऐसा क्यों? ये तो आप देखिए जो भी है जनता का मत है। दिग्विजय जी कांग्रेस के ओर से यह कहा जा रहा है और इंडिया गठबंधन की ओर से भी कहा जा रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, कैसे बनेगी सर? मैं पहली बात तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत बधाई देता हूं जो उन्होंने एक लीडरशिप दी, और साथ में उससे ज्यादा बधाई दूंगा मैं राहुल गांधी जी को जी, जिन्होंने कि पूरे पिछले दो साल में पूरा नक्शा बदल दिया। जिस कांग्रेस पार्टी को लोग समझते थे कि कुछ नहीं है, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वे उनके नेतृत्व ने और हमारे सहयोगी दलों ने विशेषकर उत्तर प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी मुझे 2004 के चुनाव नतीजे याद आ रहे हैं, उसके बाद इसी तरीके से गठबंधन का दायरा बढ़ाने के लिए पूरी मशक्कत हुई थी, कई दिनों तक चली थी, फिर यूपीए बना था। तो क्या आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के साथ भी किसी तरीके के संपर्क की कोशिश और कवायद में है? बात समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा क्योंकि उन्हें 230 से 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली, यानी कि स्पष्ट बहुमत उनको नहीं मिलने वाला। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर अब प्रश्न चिन्ह लगेगा और अब मोदी परिवार वर्सेस संघ परिवार का विवाद शुरू हो जाएगा। और मैं इस बात को बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं फिलहाल तो सर जो नंबर है उसमें तो एनडीए गठबंधन के फिलहाल लीडर वही हैं। चलिए देखना यह होगा कि आपकी जो भविष्यवाणी है कितनी सही होती है या कितनी गलत साबित होती है। राहुल गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ेगा सर, क्योंकि दोनों सीटों पर वो जबरदस्त जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन जो है उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की मेहनत है और जिस प्रकार से उन्होंने न केवल मेहनत की लेकिन कैंपेन भी चलाया और जिस तरह से उन्होंने सारे हमारे इंडिया पार्टनर्स को गठबंधन को उन्होंने जोड़ के रखा, उसके लिए निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं जी। बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी जी न्यूज से बात करने के लिए। तो दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि राहुल गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ेगा, साथ ही साथ अभी भी वे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, उनको लेकर के अब सवाल उठने शुरू होंगे। बिल्कुल चंदन, लेकिन ये आंकड़े जो हैं फिलहाल अभी भी एनडीए की बढ़त दिखाने वाले नजर आ रहे हैं। और जी